टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। अमित शाह ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, कहा भुलाया नहीं जा सकता बलिदान। डीएमके के केएस राधाकृष्ण को प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित, खड़गे और मनमोहन को कर रहे थे ट्रोल। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पीएम मोदी को सलाह, कहा रुपए में सुधार चाहते तो रघुराम राजन से तुरंत संपर्क करें। आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने एनसीपी पर कसा तंज, कहा शरद पवार ने ऐसी सियासी गुगली फेंकी कि उद्धव बोध हो गए। ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद एफटीए पर बोले पीयूष गोयल, सियासी हालात बदलेंगे हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। कोलकाता में टेट को लेकर बवाल, पुलिस ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों को हटाए धारा 144 लागू। बंगाल में दिवाली, छठ पर होगी 4 दिनों की छुट्टी, सीएम ममता बोली मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं। स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान, केंद्रीय टीम करेगी जांच, रिफंड होगा पैसा। लुधियाना में नवजीत सिद्धू की पेशी, जेल सुप्रिटेंडेंट को लिखा खत, सुरक्षा मजबूत रखे, पूर्व कांग्रेसी मंत्री केस में गवाही देंगे। हिमाचल में कांगड़ा व हमीरपुर में बीजेपी को झटका, युवा नेता आशीष शर्मा और चैतन्य ज्वाइन की कांग्रेस, मनमोहन धीमान भी संपर्क में। केदारनाथ में मोदी की पूजा अर्चना, गर्भगृह में 20 मिनट पूजा की, सफेद पोशाक पहनी चंबा की महिलाओं ने बनाकर गिफ्ट दी थी। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, दिल्ली में कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल ने किया वादा, बोले ईसाई धर्म में ही जिहाद है। ममता ने गांगुली का फिर सपोर्ट किया, बोली सौरव के साथ केंद्र ने गलत किया है, तेंदुलकर के साथ ऐसा होने पर विरोध करती। राकेश पठानिया पर परमार का हमला, कृपाल बोले वन मंत्री को फतेहपुर से टिकट नहीं बल्कि उनके कर्मों की सजा मिली है। राम रहीम के आगे भाजपाइयों का चुनावी सजदा, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने ऑनलाइन सत्संग का आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर बनाने के लिए 5 करोड़ वसूले, मेरठ में 2 पीठ के शंकराचार्यों के निजी सचिव ने कहा शंकराचार्य सिर्फ गद्दी नहीं। मुजफ्फरनगर में 240, प्रदेश में 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, मदरसा शिक्षा परिषद चेयरमैन बोले सर्वे केवल डाटा के लिए। नोएडा की सोसाइटी में गॉड्स रेजिडेंट के बीच मारपीट, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हुआ बवाल, 2 महिलाएं घायल। बिजनौर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक बच्चे की मौत, कई घायल, हाईवे पर अचानक टायर फटने से हुआ हादसा।
डेंगू से हो रही मौत में कंदौरिया वार्ड में हड़कंप, न दवाएं न मरीजों के उपचार की व्यवस्था, नगर पालिका निभा रही है उपचार कर्त। महाराजगंज में खेसारी लाल यादव के खिलाफ दी गई तहरीर, शूटिंग के समय मंदिर के गेट पर लात मारने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। थोड़ा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, बाजारों को बनाया गया नो पार्किंग जोन, ई रिक्शा ऑटो टेम्पो बैन। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, खेत जोतकर लौटते समय हादसा, साथ में बैठा युवक घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती। प्रयागराज से कौशाम्बी जाना हुआ दुभर चायल मार्ग से 2 घंटे में तय हो रही 300 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर में 500 गड्ढे। सैफई पहुंचे भाजपा दिन फरार रहे विधायक अब्बास अंसारी, मुलायम को श्रद्धांजलि दी, अखिलेश से की मुलाकात। संभल में 2 ट्रकों में भिड़ंत, 1 की मौत, 2 घायल, 2 घंटे बाद जेसीबी और क्रेन की मदद से निकाला गया शव। गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 69 उपकेंद्र, शासन को मिली स्वीकृति, 24 का बजट भी जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण। कानपुर में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू, डिप्टी सीएमओ को हुआ स्वाइन फ्लू, रोजाना आने वाले केस में हो रही बढ़ोतरी। वाराणसी में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस, शहीदों को जवानों को नमन कर कमिश्नर बोली, सर्वस्व न्योछार करने वाले वीर सपूत हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। रायबरेली में दीपावली पर सदर एसडीएम का अलर्ट, शराब भट्टी पर मारा छापा, कई लीटर लहन क्या नष्ट, बोली आरोपी पर होगी कार्रवाई। बस्ती में बहुरेंगे सड़कों के दिन, पीडब्ल्यू मार्गों पर कराया गया जीर्णोद्धार, 9 मार्गों के लिए शासन की स्वीकृति का इंतजार। बाजारों में अलर्ट, आज से शहरों में डायवर्जन सुरक्षा को लेकर रात में एडीजी ने शहर में लिया जायजा, यातायात व्यवस्था बनेगी चुनौती। बदायूं में दरोगा सहित 4 सस्पेंड, 5 लाख नहीं मिलने पर बेकसूर को बना दिया स्मैक तस्कर, एसएसपी की जांच मामला में मिला सही। मिर्जापुर में छेड़खानी के 2 दोषियों को सजा, किशोरी के मामले 5 साल और महिला से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की सजा। बिजनौर में तलाक से दुखी होकर महिला ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, परिजन बोले 1 सप्ताह में से तनाव में थी। शहर के पानी में मिला यूरेनियम, आईटी की जांच में मानकों से 8 गुना ज्यादा मिला, हैंडपंप किए जाएंगे सील। उन्नाव में 1.25 लाख दीपों से जगमगाए घाट, धूमधाम से मनाई गई जल दीपावली, पूजा पाठ के बाद लोगों ने किया दीपदान। बागपत के बड़ौत में एसएसपी ने किया पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था जांचा, व्यापारियों से बोली दुकान के बाहर लगाए सीसीटीवी। कुशीनगर में मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, 1 के पैर में लगी गोली, घायल हो गया 2 दर्जन, गोवंश लदी गाड़ी बरामद। फांसी के फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, पति जेठ जेठानी और ससुर पर हत्या का आरोप, ससुर और पति गिरफ्तार।
प्रयागराज में डेंगू के मरीज की कथित रूप से प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने से मौत, अस्पताल सील। बाल बाल बच्चा ट्रेन के नीचे आने से यात्री बादशाह नगर स्टेशन पर टली, बड़ी दुर्घटना। फर्रुखाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे से बचने के चक्कर में ट्रक में जा घुसी कार, दो की मौके पर मौत, दो की हालत गंभीर। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत, सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल। हरदोई में पुलिस टीम पर हमला, मारपीट की सूचना पर पहुंची थी डायल 112, पुलिस सिपाहियों ने भागकर बचाई अपनी जान। बाबा केदार की आराधना के बाद भगवान बद्रीश की भक्ति में लीन प्रधानमंत्री, तीर्थयात्रियों को देवदर्शनी में रोका गया। पीएम मोदी फिर बाबा केदार की शरण में, आदि गुरु शंकराचार्य को भी किया नमन। उत्तराखंड में नीट पीजी में अब कम अंक पर भी दाखिला, सामान्य वर्ग के रिवाइज्ड न्यूनतम योग्यता 2 परसेंटाइल कट ऑफ स्कोर 201 हुआ। उत्तराखंड में ऑफलाइन स्थानांतरण में घिरा राज्य, कर खींचने में पड़े कदम, अब अधिकारियों के साथ स्थानांतरण पर रोक का इंतजार। उत्तराखंड में आरोपित तहसीम को रिमांड पर लेने की तैयारी में पुलिस, कैबिनेट मंत्री के चचेरे भाई के घर में डकैती का मामला। उत्तराखंड के देहरादून में पति की सास को लेकर गया था दिल्ली, देवर भी नहीं था घर में, नवविवाहिता के साथ ससुर ने किया दुष्कर्म। उत्तराखंड के रुड़की में दीपावली पर शॉपिंग में छूट का झांसी सड़क दो उठाए 25,000, शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तराखंड में खनन कारोबारी महिल सिंह के सूचनों की धरपकड़ के लिए पुलिस की दो टीमों ने पंजाब में डाला डेरा। उत्तराखंड के फतेहपुर रेंज में 7 लोगों का शिकार करने वाले बाघ बाघिन को खोजने में अब तक 40 लाख खर्च। उत्तराखंड के कुमाऊं में गुलाबी ठंड शुरू, नवंबर में लाल नीला के असर से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। पीएम मोदी ने किया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 30 मिनट में पूरी होगी 7 घंटे की दूरी। छठवीं बार बाबा के दर पर पीएम मोदी ने लगाई हाजिरी की, राष्ट्र कल्याण की कामना। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद के एक और विभाग में तबादले पर रोक, 40 कर्मचारियों को किया था इधर से उधर। उत्तराखंड के रुड़की में स्कूल जा रही छात्रा से 4 युवकों ने की छेड़छाड़, शोर मचाने पर पहले पीट पीट फिर हुए फरार, मुकदमा दर्ज। हरियाणा के बस के चालक से हुआ विवाद, तो गुरुग्राम में रोक दी गई उत्तराखंड की बसों की एंट्री। भारत यूके व्यापार पर ट्रस्ट के इस्तीफे का असर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले नए पीएम का इंतजार करेंगे।
चुनाव में बाइडेन ने चला रूस यूक्रेन युद्ध का दांव, बोले अगर रिपब्लिकन जीते तो रुक जाएगी जेलेंस्की को मदद। अमेरिका ने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत, क्रीमिया में ईरानी सैनिकों ने रूसी ड्रोन हमले का किया समर्थन। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट एक्सबी के चलते आ सकती है कोविड की एक और लहर, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने दिए संकेत। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं जिनपिंग, इस बार इंडोनेशिया का कर रहा है मेजबानी। ब्रिटेन के पीएम लीज ट्रस्ट का इस्तीफा, कहा वादे पूरी नहीं कर सके, एकजुट पार्टी सांसद ही बना रहे थे दबाव। फेड की मीटिंग शुरू, 201 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, अपने उसे बाहर आने की उम्मीद, 206 मेंबर्स करेंगे फैसला। दोस्त इंसान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा बंदर, मृतक का माथा चूमा फिर उसे प्यार से देखता रहा। मैक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा, तेल टैंकर के टकराने के बाद आसपास के कई घरों में लगी आग। सूडान में आदिवासियों के बीच खूनी संघर्ष, 170 लोग मारे गए, लगातार 2 दिन से हो रही है लड़ाई। एसएल के शिव नाडर भारतीय दानवीरों में टॉप पर, रोजाना 3 करोड़ दान हुए किए, हुए लिस्ट में विप्रो के प्रेमजी दूसरे नंबर पहुंचे। ओयो मेक माय ट्रिप पर 392 करोड़ की पेनाल्टी, सीसीआई ने कहा होटल पार्टनर पर दबाव न बनाए ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी। गूगल पर 1337 करोड़ का जुर्माना, एंड्रॉइड में प्री इंस्टॉल गूगल एप्स रिलीज नहीं होते जिससे बाकी ऐप मेकर्स को नुकसान होता है। नीरव मोदी की 924 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त, 500 करोड़ की 39 प्रॉपर्टी ईडी और अटैच करेगा 424 करोड़ की 9 संपत्तियां पीएनबी को मिली। सत्या नडेला को मिला पद्म भूषण, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बोले अवार्ड मिलना मेरे लिए गौरव की बात, 2023 में आएंगे भारत। प्रधानमंत्री मोदी ला रहे 10 लाख नौकरियां, धनतेरस के दिन 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर के साथ लॉन्चिंग। नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कंपनी ने कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म ये फ्यूचर पासवर्ड शेयरिंग से हमें नुकसान। बीती दिवाली से अब तक 70% आईपीओ में मुनाफा, एक साल में कंपनियों ने जुटाए 95,000 करोड़। ऑफिस बुलाने के बाद आईटी कंपनियों में इस्तीफे की झड़ी, मूनलाइटिंग की वजह से हो रही है दिक्कत। पूनावाला ने किया दावा, लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्साह कम, कोविशील्ड के उत्पादन को लेकर दी जानकारी। भारत पाक महामुकाबले से पहले शान मसूद चोटिल, अभ्यास के दौरान सिर पर लगी चोट जमीन पर गिर पड़े। इसी साल बांग्लादेश का दौरा करेगी टीम इंडिया, जय शाह ने बताया सीरीज का महत्व।
वर्ल्ड कप से बाहर हुआ वेस्टइंडीज। आयरलैंड ने क्वालिफाइंग राउंड में हराया, पहली बार मेन राउंड में नहीं पहुंचे इंडीज। यूएई के खिलाफ नामीबिया की हार के बाद रो पड़े डेविड विजय, वीडियो हुआ वायरल। वीरेंद्र सहवाग ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। पाकिस्तान से भिड़ने मेलबर्न पहुंची भारतीय टीम, 23 अक्टूबर को है महामुकाबला। रोहित ब्रिगेड शुक्रवार से शुरू करेगी प्रैक्टिस। श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में पहुंचा नीदरलैंड, 16 रन से हारा। अब नजरें नामीबिया यूएई मैच पर। इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में आए नीदरलैंड, नामीबिया की टीम आखिरी मैच में यूएई से 7 रन से हारी, श्रीलंका रहा टॉप पर। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर निर्णय लेगा गृह मंत्रालय, अनुराग ठाकुर ने कहा। प्लेयर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए लिया गया फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान की रणनीति, हम रिलैक्स रहेंगे और लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे। चकता एक्सप्रेस के सेट पर अनुष्का की फोटो हुई लीक, ट्रोलर्स बोले बल्ला उठा लेने से कोई झूला नहीं बन जाता। पलक झपकती बदला, मलाइका का लुक ब्लैक साड़ी में लगी बेहद खूबसूरत। वीडियो शेयर कर लिखा ओके लेट्स डू दिस। कंगना ने कांतारा की जमकर तारीफ की, वीडियो शेयर, कहा फिल्म देखने के बाद मेरी बॉडी कांप रही है। काजोल माधुरी ने दिवाली पार्टी को खूब किया एंजॉय, वीडियो शेयर कर बोली ओरिजिनल सिंगिंग डांस क्वीन के साथ। मस्ती के मूड में दिखी उर्वशी रौतेला, वीडियो शेयर कर पूछा दिवाली ऑस्ट्रेलिया में मनाओ या फिर भारत में। राम सेतु का टाइटल सॉन्ग हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने थिएटर में पहुंचकर किया जय श्री राम गाने का प्रमोशन। श्वेता तिवारी किताब पढ़ने की शौकीन, बोली जो भी मैं किताब पढ़ती हूँ उसके किरदार से जुड़ जाती हूँ। कैटरीना कैफ का थ्रोबैक वीडियो आया सामने, व्हाइट ड्रेस में दिखी ग्लैमरस, बीच किनारे कराया फोटोशूट। कांतारा को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, देव नर्तकों को मिलेगा मासिक भत्ता। दिवाली पार्टी में साथ नजर आए आदित्य और अनन्या, सेल्फी से खुल गया राज, डेटिंग की खबरों को मिली हवा। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।